अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अहमदाबाद बकरा टीम। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों, बकरी का वाड़ा है हमारे एक भाई का, जो उनको रेंट के ऊपर देना है। ठीक है, पूरा सेटअप जो है वो तैयार है। ठीक है, सिर्फ आपको जानवर लेके आना है और आपका फार्म चालू कर देना है। ठीक है दोस्तों, और इसके लोकेशन की हम बात करें दोस्तों, तो ये मातर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और डिटेल का इसका जो एड्रेस है वो हम भाई से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा, इसका प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे? प्रॉपर एड्रेस इसका अहमदाबाद से 35 किलोमीटर खेड़ा, खेड़ा के बाजू में मातर गांव आता है। हाँ, मातर गांव के अंदर नन्ही भगोल जो बोलते हैं उसके पास ही अपना फार्म है। अच्छा, ये तालाब को क्या बोलते हैं जो? ये जो मेरे फार्म के बाजू में जो है वो नामचीन तालाब है, धेरी तालाब बोलते हैं। धेरी तालाब। हाँ हाँ। अच्छा, ये बिल्कुल इसके जो है ना दोस्तों, इनके जो वाड़ा है इनके बिल्कुल बाजू में तालाब है पानी का। ठीक है, धेरी तालाब नाम है उसका। ठीक है, तो यहीं पे ये लोकेटेड है, मातर गांव के अंदर प्रॉपर अभी हम खड़े हैं। ठीक है, तो ये उसका मेन गेट है। ठीक है, तो दोस्तों आइए थोड़ा हम इसको अंदर से देखेंगे और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह है, और भाई के पास कुछ जानवर भी है फॉर सेल के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो फेंसिंग लगा हुआ है, यहाँ से भाई का प्लॉट चालू होता है। ये यहाँ से जो है ना दोस्तों प्लॉट चालू होता है, तो यहाँ से लेके ये पूरा वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है ना, वो भाई का प्लॉट है। टोटल कितने बार है चाचा? टोटल 1500 बार किया है। 1500 बार। अच्छा, आपका नाम में क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब भाई मेमण। महबूब भाई मेमण। अच्छा अच्छा, अभी रहने का कहाँ है चाचा आपका? मेरा जुहापुरा चार रास्ता। जुहापुरा चार रास्ता। अच्छा ठीक है, तो चाचा जुहापुरा में ही रहते हैं, और यहाँ पे चाचा ने प्लॉट लिया हुआ है, और इसके अंदर माशाल्लाह प्रॉपर करके सब बनाया हुआ भी है। ठीक है, ये तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये जो खुला प्लॉट है, ये यहाँ पे अपने जानवर अपने चरा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है चाचा? हाँ, चरा सकते हैं। ठीक है, वो भाड़े की जो प्रीमाइसिस है वो होगी वहाँ, वो अपने को भाड़े से मिलेगी, और ये जो इतना प्लॉट है अपने को यूज़ करने मिलेगा, दिन में जानवर को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चरने के लिए। ठीक है, ये कितने वार का प्लॉट है चाचा? ये टोटल 900 वार का प्लॉट। 900 वार का प्लॉट अपने को यूज़ करने के लिए मिलेगा, जानवरों को हिरने फिरने के लिए शाम के टाइम में, सुबह वगैरह जल्दी। और यहाँ पे झाझरू बाथरूम की भी सुविधा है, देख सकते हैं आप, टॉयलेट बाथरूम अटैच है, और पानी का बोर भी है। पानी का बोर है, 24 कलाक पानी, 24 कलाक लाइट, 24 कलाक लाइट, 24 कलाक पानी भाई। ठीक है, तो अब ये मेन जो फार्म है वो यहाँ से चालू होता है, वाड़ा। ठीक है, वाड़ा बोलते हैं मेन वाड़ा, यहाँ से चालू होता है। क्या नाम है फार्म का आपने? मोहम्मद जैद फार्म। मोहम्मद जैद फार्म। ठीक है, आइए आज के मोहम्मद जैद फार्म में एंट्री मारते हैं। ये यहाँ से फार्म है। ठीक है भाई, ये देखो ये शेड यहाँ पे बना हुआ है, जानवरों को बारिश के टाइम में रखने के लिए बहुत जो है वो प्रॉपर जगह है। ठीक है, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो है प्रॉपर शेड है, और ये इतनी जगह यहाँ पे भी खुली है। ठीक है, ये पूरी जगह देखो, वहाँ पे भी एक छोटा शेड बनाया हुआ है, और ये पतरे का शेड है यहाँ पे। ये जानवर है भाई के फोर सेल के लिए। कितने जानवर अपने पास चाचा? अभी मेरे पास 9000 खुद के है, 2 पलाई वाले है। 9 खुद के है, 2 पलाई के जानवर है। 9 खुद के, 2 पलाई वाले। हाँ, 2 पलाई के जानवर है, 9 नंग आपके खुद के है। ठीक है, और ये भी फोर सेल के लिए ही है, कोई भाव सही देगा तो वो इंशाल्लाह वो भी दे देंगे जानवर, 9 नंग भी। ठीक है, पतीरा में भी है भाई, और सूजत भी है कुछ, बाकी ज़्यादातर पतीरा ही है। देखिए यह मुंडी फीमेल है की पतीरा के अंदर, पिंक स्किन के अंदर है। ये वाइट आइस का बकरा है,
ठीक है, अंडू है। ये वाला जो पोर्शन है इसको अंदर से देखेंगे हम। चाचा इसको देख सकते हैं अंदर से जरा? सीसीटीवी कैमरा भी सब जगह लगा है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। सीसीटीवी कैमरा भी पूरे फार्म के अंदर लगा हुआ है भाई। ठीक है, और अभी हाल में नेट लगी हुई है, और ठंडी के टाइम के अंदर ताड़पत्री भी हम लगा सकते हैं, वो इनके पास अभी है अवेलेबल है ना। ताड़पत्री आपके पास मिल जाएगी? 60 फुट की ताड़पत्री है, 70 फुट की, 60-70 फुट की ताड़पत्री है भाई। तो वो ठंडी के टाइम में रात को जानवरों को ठंड लगती है, उसके लिए हम इसको कवर भी कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी मच्छरदानी यहाँ पे लगी हुई है, ये एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये तकरीबन कितना होगा, ये 20x20 होगा कि 20x30 है? नहीं नहीं, ये 20x25 का है। 20x25 का है, टोटल शेड है ना वो 60 फुट बाई 20 फुट है। टोटल 60 फुट बाई 20 फुट का पूरा टोटल शेड है। तो एक दूसरा कंपार्टमेंट भी इसके बाजू में, वो भी हम देखेंगे। आइए दोस्तों, देखिए दूसरा कंपार्टमेंट है दोस्तों, चारा स्टोरेज करने के लिए भी जगह काफी बढ़िया है। ठीक है, ये 40 फुट है, 40x20। ये 40x20 है, वो 20x20 का है। 20x20 का टोटल 60 फुट बाई 20 फुट, 60 फुट बाई 20 फुट, 1200 चौरस फुट। ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट का जो है ये शेड है पूरा। ठीक है, तो ये अपने रात के अंदर जानवर रखना हो, ठंडी में जानवर रखना हो, धूप के टाइम में, दोपहर में जो कड़ी धूप होती है उसके अंदर हमको जानवर बंद करने हो, तो उसके लिए बहुत प्रॉपर जगह है। और ये क्या बना हुआ है चाचा? ये कोई भी यहाँ रहेगा ना 24 घंटे के लिए, इसके रहने के लिए यहाँ रूम बना, पगी के लिए रूम बनाया हुआ है। ठीक है, तो भाई ये रूम की भी फैसिलिटी, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। पंखा वगैरह जो है रूम के अंदर लगा हुआ है, और ये रहने के लिए जगह है, जैसे आप कोई इंसान को यहाँ पे रखते हो देखभाल के लिए। ठीक है, ऐसे तो इनके एक इंसान यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये चाचा जो है ये गांव में रहते हैं, बाजू में गांव। ठीक है, क्या नाम है इनका? नासिर भाई यहाँ देखभाल करते ही है। अगर आपको इनको काम पे रखना हो तो भी रख सकते, तो भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने, चाचा ने, महबूब भाई ने इनको काम पे रखा हुआ है। 5000 रुपया महीने देते हैं। ठीक है, बहुत पूरा दिन संभालते हैं। बहुत अच्छे, क्या 5000 में पूरा दिन संभालते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या है कि अगर आप ये भाड़े से ले लेते हो तो वो नासिर भाई को भी आप रख सकते हैं। का जिम्मेदारी हमारी? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इंसान की जिम्मेदारी आपकी, हमारी पूरी जिम्मेदारी इनकी। सही है भाई, इनके देखो भरोसे के इंसान है। ठीक है, तो क्या भाड़ा और क्या डिपॉजिट रखा हुआ है चाचा आपने? भाड़ा अभी एक्चुअली लड़का है ना मेरा जो इंजीनियर अहमदाबाद है, उसकी एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, लेकिन उसने मुझे बोला कि अब्बा आपने 25000 रुपए भाड़े पे दे देंगे और 3 भाड़ा अपने एडवांस पर ले लेंगे। तो 25000 रुपए भाड़ा भाई डिमांड कर रहे हैं, कुछ हो सके वो कर देंगे, कर देंगे आगे पीछे भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, सीरियस हो लेने के लिए, तो आप मीटिंग करो इनको। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं हम इनका, मीटिंग करोगे तो उसके अंदर 25000 के अंदर ये आगे पीछे करके इंशाल्लाह आपको भाड़े से दे देंगे। 3 भाड़ा आपको जो है वो डिपॉजिट देनी होगी, जो चलता है वो ही है। ठीक है ना भाई? तो क्या कॉन्टेक्ट नंबर है आपका चाचा? मेरे लड़के का नंबर आप लिख लीजिए, बोलिए 9033 80 80 40 20 बराबर। क्या नाम है उनका? इनका नाम सुफियान भाई है। सुफियान भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब भाई है। महबूब भाई, ठीक है, तो वो सुफियान भाई का ही कॉन्टेक्ट करना रहेगा। सुफियान भाई का कॉन्टेक्ट, इनकी प्रॉपर्टी है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तो सुफियान भाई से, हाँ सही है, ठीक है, सुफियान भाई से ही आप बात करिए। ठीक है, इनके जो है वो साहबजादे है, तो सुफियान भाई से आप बात करिए। और ये जानवर के लिए भी सारे फोर सेल के लिए है, 2 जानवर पलाई वाले, कौन से दो जानवर पलाई वाले? कौन से? ये बच्चा है जो कड़ी वाला है वो। अच्छा, ये खड़ा ही है, सच्ची बकरा है, और दूसरा बकरा कहाँ है? ये वाला है, दो बकरे पलाई के ऊपर है भाई, वाइट देखो, ये दोनों खसी है, खसी बकरे दोनों। ये पलाई चाचा के पास, बाकी के जानवर जो ये चाचा के खुद के है, और ये फोर सेल के लिए। आप इसकी भी बात कर सकते हैं, वो इसकी प्राइस वगैरह जो आपको फोन के ऊपर बता देंगे। उनसे ही बात करनी रहेगी चाचा? सुफियान भाई से बात करनी, जानवर के लिए भी। हाँ। ठीक है, सुफियान भाई से कॉन्टेक्ट करना रहेगा हमको। ठीक है भाई,
पीछे से भी एक गेट है इसका। एक बड़ा गेट यहाँ पर भी है, ये भी दिखा दूँ आपको। अच्छा देखो, बड़ी गाड़ी वगैरह आपको लानी है तो पीछे से भी एक गेट है, ठीक है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है सोसाइटी का, सही है ना। ये यहाँ से ये मेन रोड है, ठीक है। तो पीछे से अगर आना हो आपको जानवर लेके या चारे की गाड़ी वगैरह जो है वो आपकी यहाँ से आ सकती है। चारा भी सस्ता मिलता है आजू बाजू में, सब जगह पे गुवार है, तुवेर है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी और रेंट के लिए अवेलेबल है। जो भी भाई हमारे इंटरेस्टेड हो गोट फार्म करने के लिए, तो बिल्कुल एकदम सुटेबल जगह है, ठीक है। पीसफुल माहौल है, कोई यहाँ पे जो है वो अननेसेसरी साउंड नहीं है, ठीक है, एकदम पीसफुल जगह है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हो कि भाई अगर आप भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है, गोट फार्मिंग की लाइन के अंदर अगर आप कुछ कोशिश करना चाहते हैं, जानवर खरीदी लेवेज करना हो आपको, या तो ब्रीडिंग सेटअप डालना हो, तो उसके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही एकदम पीसफुल जगह है और उसके लिए बिल्कुल सुटेबल जगह है, ठीक है दोस्तों। तो ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे दिया है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, कॉन्टेक्ट नंबर तो आपका भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा करो, बोला। हाँ 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 ठीक है। तो मेरा भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं भी इंशाल्लाह अगर वो भाई से अगर कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो मैं आपका कॉन्टेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7016354630, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।